नमस्कार, मैं फिर आप सब के सामने उपस्थित हो गई हूँ। आज ना मैंने ये सोचा कि ये लॉकडाउन में हम कैसे अपना टाइम पास करें। कि लॉकडाउन के पहले ना मैं बहुत बिजी होती थी, मेरे क्लासेस, वर्कशॉप, प्रोग्राम्स, बच्चों का एग्जाम, फिर मैं खुद साल में 3-4 प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती थी, तो वो तो बहुत बड़ा काम होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। पर पिछले मार्च 2020 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ, हमको लगा, सबको भी ऐसे ही लगा कि 1-2 महीना चलेगा फिर ठीक हो जाएगा। तो इनिशियली तो मेड नहीं आती थी, काम वाले लोग नहीं आते थे, तो हम घर का भी काम करते थे, तो हो गया, मतलब टाइम पास हो जाते थे। अभी 3-4 महीने के बाद काम वाली आना शुरू हो गया, तो घर का काम भी आपको करना नहीं पड़ रहा है, अपना काम भी नहीं कर पा रहे, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तब मैंने YouTube देखना शुरू किया। मैंने आप लोगों को बताई भी ये बात पहले, YouTube देखते देखते ना मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं भी कुछ ऐसे करती हूँ, कम से कम कुछ अच्छा समय तो बीतेगा सबके साथ। अभी 3 महीना हुआ मैंने YouTube चैनल शुरू किया अपना। मेरे 3 चैनल है, एक डांस का, एक हिंदी और एक बंगाली। तो अभी ऐसा हो गया, मैं इतना बिजी हो गई क्योंकि क्या दिखाऊं आप लोगों को, फिर उस टॉपिक के ऊपर क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए, क्या ज्वेलरी होना चाहिए। अभी भी मैं बैठ के वही सब चुन रही थी कि क्या ज्वेलरी होना चाहिए, क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए। और लॉकडाउन में मैं बाहर नहीं जा पाती हूँ, तो मेरा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसी छोटी जगह में मुझे अलग अलग कहाँ बैठ के मैं रिकॉर्डिंग करूँ, ताकि वो एक तो रोज थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिले, और फिर मैं जो सब्जेक्ट चूज कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंग भी हो। क्योंकि मैं डांस के लिए, आपने देखा है कि वो फूल माला होता है, सरस्वती माँ की बहुत सुंदर फोटो होता है, ऐसे हर एक चीज के लिए अलग अलग जगह मैं सिलेक्ट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि लॉकडाउन है तो मुझे हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता है। जैसे अभी मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ, ये जो सामान दिख रहा है वो है मेरा कैमरा और मेरा लाइट बस। तो मुझे लाइट कहाँ रखना है, कौन से सिचुएशन में मुझे बैठना है, किस तरह से कैमरा सेट करना है, और अलग अलग व्यूज हो जो मैंने कहा, तो ये मतलब मेंटली भी बहुत काम होता है एंड फिजिकली भी बहुत काम होता है। क्योंकि आप खुद ही सब कुछ हैंडल कर रहे हो, आपको हेल्प करने के लिए और आपको गाइड करने के लिए कि आप कैमरा से बाहर तो नहीं जा रहे हो, वो भी मैं मुझे खुद को चेक करना पड़ता है, कभी गड़बड़ भी होता है, फिर से रिकॉर्डिंग करना होता है। तो मैं एक्चुअली बहुत बिजी हो गई, एंड डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी इजी जॉब। आप अकेले जब ये सब कुछ हैंडल करते हो तो आपको बहुत पेशेंस चाहिए। एंड जैसे आप लोग मेरे अच्छे से सुन पाओ तो मेरा फैन ऑफ होता है, एसी बंद करना पड़ता है, तो मतलब बहुत बोला जाए तो बहुत मुश्किल है इस तरह से एक पूरा काम आप अकेले करना। पर क्योंकि मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे लेजी बैठी रहूं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर क्रिएटिव वर्क है तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इवन जब मैं कैमरा से भी बात करती हूँ, डेफिनेटली आई एम टॉकिंग विद कैमरा राइट नाउ, आप लोग तो सामने अभी नहीं हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये पूरा काम जो मैं करती हूँ ना, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। अगर मैं एंजॉय नहीं करती ना, तो ये करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है किसी के लिए, क्योंकि ये मेरा हॉबी है, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। तो इससे मेरा कोई ऐसा नहीं है, कुछ अर्निंग है, कुछ नहीं है, तो मैं अपने मतलब समय कैसे बिताऊं, और इतना मुझे पसंद आया कि अगर इस तरह से मैं आप सबसे मिल पाऊं, वो सोच के मैं ये कर रही हूँ। तो ये जो आनंद मुझे मिलता है ना, इसलिए मैं इतना एंजॉय करके ये काम करती हूँ। और मैंने, जैसे मेरी बेटी अभी बैंगलोर में है, वर्क फ्रॉम होम कर रही है, यहाँ भी करती थी, पर यहाँ ऐसे है कि हम लोग उसको टाइम टाइम पे खाना दे देते थे, क्योंकि
कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन में ना जो लोग घर से काम कर रहे हैं उन पे प्रेशर और ज्यादा हो रहा है। जो त्रिना है आप लोग जानते हो, वो मेरे पास आ जाती थी, हम लोग बहुत एक साथ मिलके काम करते थे, वो भी नहीं आ पा रही है। पर ऑनलाइन होके एक फायदा है कि मैं जैसे दिखाऊंगी कि मैं किस तरह अपना टाइम पास कर रही हूँ, इस तरह से त्रिना कैसे कर रही है, छिकुर कैसे कर रही है। तो चलिए हम उनका भी देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो लोग। पहले था एकदम ठीक से हाथ। नंबर 13 हाफ में पैर धा धिन धिन धा धिन धिन धा ना तिन तिन ना ता धिन धिन धा टिक धा दिग दिग थे ता 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 टिक धा दिग दिग थे ता थे ता 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 ता
अनहिता, आप अपना पीछे का वो कार्टन बंद करो बेटा, पीछे ना इतना लाइट आ रहा है, आप नहीं दिख रहे हो। नंबर 15, पैर हाफ में स्टार्ट, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, ता धिन धिन धा, तिक धा धिक धिक थे, 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 ता 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 ता, तिक धा धिक धिक थे, तिक धा धिक धिक थे, तिक धा धिक धिक थे, ता थे, ता 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 ता, तिक धा धिक धिक थे, तिक धा धिक धिक थे, तिक धा धिक धिक थे, ता थे, So first you have to do two clap. Second time one clap and third time no clap. Okay. So 1, 2, 3, 4. Da din din da, da din din da, na tin tin na, smile. Ta di di ta, a di di ta, ta clap clap. Ta di di ta, a di di ta, ta clap. Ta di di ta, a di di ta, ta ta ta. Ta di di ta, a di di ta, ta clap clap. Ta di di ta, a di ta ta clap. Ta di di ta, a di di ta, ta ta ta. Ta di di ta, a di di ta, ta clap clap. Ta di di ta, a di ta ta clap. Ta di di ta, a di di ta, up up da. Yes, good. Good morning. It's a working day and I have to go get ready. Just woken up from sleep, running a little late. I woke up a little late than I intended to, so I gotta go and I will get ready and again get in touch with you guys. Hello everybody, I am back. It is 2:44. I don't know if you can see it. Let me zoom in. Oh, come on. Yep, 2:44 in the afternoon. And I'm sorry I didn't shoot any of the first half of my working day, simply because A, I was late, I woke up late, and B, I had a couple of meetings which I didn't want to record because of confidentiality with clients. I am part of the client solutions team, so I didn't want to get into any of that, so I didn't record it. But mostly first half of the day is done. We've had lunch, Moinak and me both have had lunch, thankfully at a decent time today. And now we're going to work for the second half of the day. But because we were recording today, I've kept the blinds down. Usually blinds open. There's a lot of sunlight that comes into this room, which is why we like working in this room so much. But today, because we have to record, we've put the blinds down, tube light on kar diya, so that you can see me a little better. And because I had certain meetings with clients, etc., maine apna baal baal theek kar liya, ek basic thoda sa makeup wagera kar liya, you can see me ek decent top pehen liya, so that I look formal, at least from the top half of my body. Niche I'm still wearing the pajamas jo pehen ke main soyi thi. मैंने वही पजामा पहना है, मैंने चेंज नहीं किया है बिकॉज मीटिंग्स में ऑब्वियसली उतना दिखता नहीं है. इट्स जस्ट दिस पार्ट दैट नीड्स टू बी प्रेजेंटेबल एंड आई एम गेसिंग इट्स प्रीटी प्रेजेंटेबल. सो या दैट्स हाउ वी वर्क फ्रॉम होम एंड दैट्स हाउ वी रोल. सो आई जस्ट थॉट आई विल गिव यू दैट टिडबिट एंड गेट बैक टू वर्क एंड या दैट्स ऑल आई हैव टू से. I am not sure if my screen is seen and if it should be seen, so I'm trying to think what I should do. I don't know, let's see. But I'm gonna stop talking and I'm gonna start working. Hello,
It's almost 9 o'clock in the night right now, and I've just got done with my work. Moinak ka office मोटा मोटी एवरी डे मुझसे पहले ही ख़त्म होता है, तो ही इज़ डन फॉर द डे. एंड मेरा जस्ट अभी ख़त्म हुआ थोड़ी देर पहले, एंड आई जस्ट फ्रेशनड अप अ लिटिल बिट. थोड़ा सा मेकअप वेकअप जो मीटिंग्स वगैरह के लिए मोटा मोटी जो एक रखा रहता है, तो वो सब कर लिया है. थोड़ा सा फिटनेस वेयर पहन लिया है, बिकॉज जून 1st से मैंने और मोइनाक ने सोचा कि अभी हमारा पोस्ट मैरिज वेकेशन इज़ ओवर एंड वी शुड बोथ थिंक अबाउट आर फिटनेस अ लिटिल बिट. सो 1st जून से हम लोग ऑफिस के बाद, चाहे कितना भी लेट हो, थोड़ी देर के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, इधर ट्रेडमिल और स्किपिंग या फ्री हैंड फ्लोर एक्सरसाइजेस, कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं. तो मोइनाक अभी ट्रेडमिल कर रहा है. आई विल ऑल्सो एड इट एज पार्ट ऑफ दिस व्लॉग. आई डोंट नो हाउ मच वी कैन सी हिम फ्रॉम हियर. देर वहाँ पे वो अच्छा भाग रहा है अब तो. तो वो अभी कर रहा है. तब मैं काम कर रही थी, सो ही स्टार्टेड विदाउट मी. और जब उसका हो जाएगा तब मैं जाऊँगी. वो मुझसे बहुत ज़्यादा एथलेटिक है, तो वो ज़्यादा टाइम ट्रेडमिल पे चलता है, भागता है, दौड़ता है. मैं कम, मुझे डांस वगैरह ज़्यादा पसंद है, वर्कआउट्स उतना पसंद नहीं है. बट अब करना पड़ेगा, बिकॉज मैरिज के बाद थोड़ा सा मोटू हो गए हैं हम, तो इसलिए कितना भी लेट हो जाए, बोथ ऑफ अस हैव प्रॉमिस्ड कि हम थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर ध्यान देंगे. तो अभी मोइना कर रहा है, इसके बाद मैं करूँगी, एंड देन वी गोइंग टू अनवाइंड अ लिटिल बिट. थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बिकॉज पूरा दिन हम दोनों काफ़ी, हमारा दोनों का वर्क लाइफ काफ़ी हेक्टिक एंड स्ट्रेसफुल रहता है. सो वी गोइंग टू अनवाइंड अ लिटिल बिट. अरे मम्मी, इतना मुश्किल से गाना सिखाया आपको, गाना तो गाओ. अरे तू आज यार ज्वाइन कर, फिर मैं गाती हूँ. ज्वाइन करने का क्या है मम्मी, मैं उधर ही थी. अरे आओगे तब गाएंगे ना. अली बाबा ले चल, धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन नमो नमो दुर्गे महारानी नमो. दूसरा फिजिकल गेम खेलने में भी अपने को प्रॉब्लम है ना, कंसीडरिंग आवर एज. तो अपन कोई इंडोर गेम खेलते हैं जो कुछ अलग तरीके का हो. क्या हो सकता है, एक काम करते ना, वो गाना गाने का कुछ गेम खेलते हैं. आप तो अभी वैसे भी गाते रहते हो. अरे अदिति अच्छा याद दिया है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में ना इंग्लिश लिरिक्स में हिंदी गाने का ये दिया. लिरिक्स हाँ. तो वो गाना पहचान के हमें हिंदी में गाना गाना. वाओ, एक काम मैं आपको इंग्लिश में दूंगा और आप हिंदी गाना वो ये कर लेना. लेकिन पापा इसका हम ये अपने स्टाइल से अपन पेश करेंगे. बिल्कुल, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली पापा. अपन माहौल बनाएंगे. अरे मेरा तबला ले आओ. यस सर, वेरी गुड. द तबला इज रेडी. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट
मॉनसून यू मेट मी आई मेट यू हे पापा खुद गाना है खुद गाना है साथ में हमसे मिले ओ बराबर चंदन एक पर पूरा हां विद म्यूजिक विद म्यूजिक यस यस 1 2 3 स्टार्ट लेके आपके सामने आ जाती हूँ जरूर कमेंट करिएगा फिर मिलेंगे